नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र में शुक्रवार के सुबह कोठरा मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश राम प्रवेश यादव और प्रवेश पुत्र सीताराम घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। उसके पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस मिले हैं। घायल बदमाश द्वारा सोमवार को दो छात्रों का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन पुलिस ने दोनों छात्रों को सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें कि फूलपुर थाना क्षेत्र के दुर्वासा निवासी देवप्रिय और रामकिंकर गिरी ने अहिरौला क्षेत्र के किसी स्कूल से बोर्ड का फॉर्म भरा हुआ था। सोमवार को दोनों प्रवेश पत्र लेने के लिए स्कूल आ रहे थे और जब वे प्रवेश पत्र लेकर वापस लौट रहे थे तो स्कूल के बाहर ही तीन युवकों ने उनकी बाइक की चाबी छीन ली। आरोप है कि गाजी पोखरे पर ले जाकर उनकी पिटाई की गई और तमंचे से धमका कर उनसे 20,000 रुपये की मांग की गई। अपहरणकर्ताओं ने छात्रों से कहा कि जनसेवा केंद्र पर पैसा निकाल कर दो। छात्रों ने घर पूछने की बात कही तो दोनों हाथों में तमंचा थमाकर फोटो खिंचवा दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दे दी। अपहरणकर्ता दोनों छात्रों को कार से लेकर वापस अहिरौला की तरफ लौट रहे थे। इसी बीच पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो अपहरणकर्ताओं ने दोनों को अपने वाहनों से उतार दिया और फरार हो गए, जिसके बाद आज पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान कोटरा मोड़ के पास मुखबिर की सूचना पर इन बदमाशों को गिरफ्तारी की कोशिश की गई, जिनमें एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दिनांक 13 फरवरी को थाना अहिरौला पर दो लड़कों के अपहरण के संबंध में FIR नंबर 55/24 धारा 365 357 347 IPC दर्ज किया गया था। तत्काल SO अहिरौला और उनकी टीम के द्वारा इन दोनों लड़कों को बरामद कर लिया गया था। इसमें प्रमुख नामजद अभियुक्त राम प्रवेश यादव उर्फ प्रवेश पुत्र सीताराम यादव निवासी लैदौरा थाना अहिरौला को पुलिस मुठभेड़ में आज सुबह लगभग 6:30 बजे थाना अहिरौला पुलिस के द्वारा कोठरा मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार हेतु इसको अस्पताल भेजा गया है, जहाँ इसकी हालत सामान्य है। इसके पास से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किया गया है। इसके ऊपर पूर्व से चोरी, 307 चीटिंग और छेड़खानी समेत 6 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य की भी गिरफ्तारी अतिशीघ्र सुनिश्चित करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई इन सभी के विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।